जहां पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 14 लड़के और लड़कियों को पकड़ा है। पकड़ी गई लड़कियों में ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि मन्नत गेस्ट हाउस में संदिग्ध लड़के और लड़कियों का आना जाना लगा रहता था, जिसके बाद पुलिस की टीम और महिला थाने की टीम ने संयुक्त रूप से गेस्ट हाउस पर छापेमारी की कार्रवाई की है। वह इस मामले पर आगे पुलिस ने यह भी कहा कि गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गेस्ट हाउस का संचालन नगर पंचायत का पूर्व चेयरमैन अजय गुप्ता का पोता बताया जा रहा है कि वो करता था। रोजा में एक मन्नत गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि ये लोग कमरे प्रोवाइड कराते हैं जो स्त्री पुरुष आते हैं वही संबंध बनाने के लिए। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको डेवलप किया और वहाँ पे तबीज दे गई तो ये बात सही पाई गई है कमरों की तलाशी के दौरान, और वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और कठोर धाराओं में पंजीकृत करके गेस्ट हाउस वाले के खिलाफ और जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवस्था में छात्र और छात्राओं को बरामद किया है, जबकि लोगों का कहना है कि इस गेस्ट हाउस में छात्र छात्राओं का आना जाना अक्सर लगा रहता था, जिसके बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शीशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशांत, आज पुलिस द्वारा एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? मुस्कान, देखिए कि जो मन्नत गेस्ट हाउस है रोजा थाना क्षेत्र में, उस गेस्ट हाउस की लगातार स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने आज एक अहम ठोस कदम उठाया और उसमें दोपहर में जाके जब छापेमारी की तो 14 छात्र छात्राएं पकड़े गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये गेस्ट हाउस है पूर्व नगर पालिका चेयरमैन का अजय पोता का है, अजय गुप्ता उस पोता का है। और माना जा रहा है कि जो सूत्रों की अगर हम माने तो यहाँ पे लगे लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था। और ये भी जानकारी मिली कि पुलिस ने बताया है कि अभी तक किसी भी गेस्ट हाउस पर किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन का कागज सामने नहीं आया है। साथ ही पुलिस कह रही है कि जो गेस्ट